ओके ये बॉस को मारना है. Another monkey I see. Oh. Why don't you lay down your weapon? Help me. Merchant है कोई? क्या बात है भाई? ये आ गया भाई अगला बॉस. भाई. बॉस आ रहा है. बॉस आ गया. Our humble one's name. ये क्या? ये क्या? These snake guys are nothing to. वो ना ही आए यार कोई. ये तो वही है सर. ये डिफरेंट करा क्या है? Elder Jin. Hello and welcome everyone to our channel. So हम आ गए एक और exciting Wukong के episode के साथ. So last time तक हम लोगों ने एक boss, mini boss कह लो, main boss तो नहीं था. इसमें mini bosses भी काफी सारे हैं, normal enemies भी हैं और फिर main bosses भी हैं. तो थोड़ी सी confusion चल रही है. पता लग जाएगा जब main boss वगैरह आएंगे. लेकिन without any further ado, let's jump right in and देखते हैं कि आगे क्या है. Four beans, old sway, thunder, scorch, force, frost, and poison. When their gauge max out, corresponding damage will be taken. Here's the four beans to bolster your resilience. अच्छा, तो इस world में चार तरह के damages हैं. Thunder, scorch जो आग है, और frost जो ice है, और poison. Okay. So उसके खिलाफ भी हमें अपने आप को strong करना पड़ेगा. अच्छा. मुझे पता लगा कि हम लोग पीछे जो है कोई एक बॉस वगैरह छोड़ आए हैं. सो हम यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं. तो पीछे जाके उस बॉस को मारते हैं, फिर ट्रैवल वापस आगे करते हैं. राइट. वैसे तो सारी जगह हमने यार चेक की थी बट मिस हो गया. ये वाली जगह, यही बॉस मिस हुआ. वो देख रहे, वो जो नजर आ रहा है. ओके. वो जब हम बग नहीं बन गए थे, बग बन के हम जब जा रहे थे. हाँ, उधर छोड़ आए. सो अपेरेंटली इस गेम में काफी इस तरह के नॉर्मल जो जिनका कट सीन्स वगैरह नहीं होंगे लेकिन वो बॉसेस होंगे, मिनी बॉसेस. yes. उनको मारने से स्किल्स वगैरह भी मिलते हैं. राइट. ओके. सो हमें उनको भी मारना है. यहीं से उसने हमें फॉरेस्ट वो बनाया था ना. बिल्कुल. बीटल वगैरह. यस, बी टाइप जो थी. हाँ. सो ओके. चलो भाई. ओके. इनको मारना है. यस. चल चल सालो मर जाओ. मर जा भाई. बे भाई क्या पैसे ले रहा हूँ बनने के. ओके. सो एक और स्पार्क आ गया हमारे पास. एबिलिटी आ गई है. दैट इज गुड. लेवल 7 हो गया हमारा. ओके. ये है बॉस. इसको मारना है. हेलो भाई. उसने पेल दिया हमें. तेज था यार. कैप उल्टी कर ली हम लोगों ने ताकि फोकस जरा यू नो स्ट्रेट अप हो. ओके. हम आगे वाइट की तरफ. इसको पीछे मुड़ने देते हैं ताकि पीछे से हमारा अटैक पूरा लग जाए जब ये मुड़े. यस. लास्ट टाइम बहुत पास थे यार इसके हम. ये जब अटैक मारते हैं इसको ब्रेक करते हैं. थोड़ा सा टर्न हो जाता है भाई. ये देखो. नाइस. अभी वो है फ्रीज इफेक्ट हमारे पास. अभी नहीं यूज करते क्योंकि स्टेमिना नहीं है. फ्रीज करके मार नहीं सकते. बची बची शर्ट. ये मूव. ओके ओके. इस मूव से हम स्टैंस में जाके बच सकते हैं पर आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए. पता है इससे उसकी मूव्स वो हो जाती हैं, तेज हो जाता है. ये फ्रीज कर सकते हैं अब इसको. बच. नाइस. चल भाई अब मेरी बारी. नाइस नाइस नाइस. इधर अभी मार सकते हैं, पिलर इफेक्ट मार सकते हैं. पता है अभी गिर गया ये. चल भाई अब पीछे जाएंगे, रिकवर करेंगे माना और पिलर स्टांस पे चले जाएंगे. ओए होए ओ शिट. स्टांस पे जाने लगे थे. पी अभी हील ना यूज करी. वी आई थिंक इसको मार सकते हैं. मार सर पे. ये जो शॉट है ना साले को नशे में ले जाती है. ओए होए क्या शॉट मारी है यार. स्टेमिना. आ जा बेटा. आ जा बच्चे. ओए ओए ओए. नहीं 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 नहीं. हेल्थ चाहिए. हेल्थ हेल्थ हेल्थ. पहले फुल करेंगे. चल भाई फुल हो गया. अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है इसे बचने का.
वो एबिलिटी आने वाली थोड़ी देर में। ओ ये स्मैश कर रहा है ग्राउंड, पीछे 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 रेन से बाहर चले जाते हैं। एक और करेगा। हां चल भाई हो गया लास्ट चला। ओ नाइस डॉज कर लिया। फ्री इफेक्ट भी आ गया, इसको मारते हैं जल्दी से। ये चीज स्टैमिना लूज हो रहा है अपना थोड़ा सा। अब पीछे जाते हैं। दो ओ गिर गया, वो गिर गया, गिर गया। जल्द से चल चल। वो यार उस पे खड़ा होके मारना था इसको। ये चीज फिट टून हो गया साला। अभी इजी था यार ये, थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है आपको। आप इजी कर सकते हो। ओ नहीं 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 भाई, बहुत करीब है, मरना नहीं है। हेल्थ ले ले दोनों, एक और। चल भाई रेडी हम लोग, परफेक्ट आ जाए अपना। चल भाई अभी इसको मारते हैं, फ्रीज इफेक्ट आ जाएगा। फ्रीज का ही गया बस। चल भाई कमाल, इजी था बट इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना खेलना पड़ेगा। पावर ओ कुछ आर्ट ही कह रहा ऑप्शन। ये क्या चीज है? कैट आईज बीट्स मिली हैं। कैनॉट अब्सॉर्ब स्पिरिट विदाउट गाइडेंस। ओके ये क्या है, अब्सॉर्ब कैसे करें स्पिरिट? आई थिंक वो गाइडेंस के बगैर वगैरह नहीं अब्सॉर्ब कर सकते। ओके चलो इसको तो मार दिया हमने, बॉस को मार दिया है आई गेस। ये इन्होंने जो ट्रैवलिंग का दिया है ना, ये हमें वापस आना पड़ेगा इन जगहों पे, है ना। आई थिंक वापस फास्ट ट्रैवल करेंगे और गेम आगे से कंटिन्यू करेंगे। लेवल 10 हो गए हम लोग, नाइस। जो चीज़ें हम लोग छोड़ के गए थे ना, जो जगह एक्सप्लोर नहीं की थी, वो देख लेते हैं ना कि और कोई बॉस तो नहीं पीछे छोड़ दिया हमने। यहीं से आए थे हम लोग। यस यहाँ जाना था यार, ये कोई और जगह है। ओ भाई एक और बॉस, एक और बॉस भी था यार जो हमने मिस कर दिया था। सेफ पॉइंट किधर है? सेफ पॉइंट तो आई थिंक पीछे है। This is bullshit. इसके करीब करीब कोई सेफ पॉइंट होना चाहिए भाई। चलो भाई इसके करीब करीब कोई सेफ पॉइंट नहीं है, पीछे जाके ही सेव करके आए। हाँ पीछे जाना पड़ेगा। तो ये क्या निकला है? ओ भाई साला जमीन के अंदर था, पौधा बना हुआ था। चल भाई इसको मार यार, फ्रीज करके खत्म कर। ऐसा पॉइजन किया मैं, परफेक्ट हो गया हम पे। चल साले निकल। ओहो कितना ऊपर चले गए थे उससे हम लोग। गया 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 गया, नाइस। लेवल अप हो गया। एक और अप हो गए हम लोग यार। यहाँ पे मैं तो सिर्फ सेव पॉइंट देख, ये हमने चेस्ट खोली थी, पीछे था सेव पॉइंट। सेव पॉइंट पीछे है, उसको वापस सेव करते हैं गेम को। ये सेव पॉइंट है और ऑफरिंग करते हैं अपनी। ऑलराइट सो हमने रेस्ट कर लिया, राइट को मार दिया। yes. वाइट या राइट जो भी है, वो पहला बड़ा असर वाला। उसके बाद अभी एक और बॉस है इधर जो वुल्फ है, यही वुल्फ्स का बड़ा है, और उसको अभी तक हमने नहीं मारा है। सो लेट्स गो। अबे ये फिर आ गए हैं। ओ एक और चीज, रुक जाओ। अब मेरे ख्याल से हम ये भी चेक कर लें, हम कोई और आर्मर पीस क्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि yes. अगर दो आर्मर पीस हो जाएंगे तो हमारा एबिलिटी उसकी पर्क मिल जाएगी yes. हमें, राइट? और आई थिंक अपग्रेड भी आ गए हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं कुछ हम लोग। ओ आर्मर पीस क्राफ्ट कर सकते हैं, तो नाइस। पाऊ वाली कर लें, ये +10 दे रही है ना, ज्यादा अच्छी है आई थिंक। हाँ क्योंकि ये सिर्फ डिफेंस ही दे रहा है। सही है। और अपग्रेड भी आई थिंक कुछ अगर है। यस इक्विप भी कर लिए हमने। और अभी देख लेते हैं हम अपग्रेड क्या है। अपग्रेड भी दो आ गए हैं। यस लेट्स गो। ओके सो सर्वाइवल पे यार स्टेमिना पे देना चाहिए, और हेल्थ पे भी पता है। ये क्या स्लाइडली इंक्रीज स्टेमिना रिकवरी रेट व्हेन डिप्लीटेड। ये स्टेमिना रेट को बढ़ा रहा है, और ये ईच चैलेंज लेवल मॉडरेटली रिड्यूसेस द स्टेमिना कॉस्ट ऑफ स्प्रिंटिंग। ये वाला सही है। स्टेमिना आ गया। अच्छा एक मूव पे कर लेते हैं, ग्रांट मोर फोकस व्हेन द सेकंड मूव ऑफ लाइट अटैक कॉम्बोज ये हिट्स एन एनिमी। ये भी अच्छा है।
ओके भाई आई थिंक आगे चलते हैं नेक्स्ट बॉस की तरफ। अगले बॉस को भी पेलना शुरू करेंगे। चलो भाई ये तो मर गया। इस साइड से जाना था, इस पाथ पे वो दूसरा बॉस है। यस जो आगे टेंपल में खड़ा हुआ था और हमें पता ही नहीं था। अब ये मेन बॉस है, मिनी बॉस है, वी हैव नो क्लू। बट यार गाइड में लिस्ट में ना इस बॉस का नाम है, तो चलते हैं जल्दी से। हाँ आगे जाना है। चलो भाई इसको भी मारो, आगे चलें। वो दूर खड़ा हुआ ब्रिज पे, ये आई थिंक सामने आ गया। पीछे जाना है यहाँ से। यस ये कोई टेंपल टाइप जगह है और यहाँ पे कोई फायर वाला बॉस है। इसने भी स्टाफ ही पकड़ी हुई है। यस ओके लेट्स गो। आग लगाने वाला है ये हमें। और क्या सीन है इसका? ओ हो भाई जा। हेलो इसको पिलर इफेक्ट मारी पता। अरे इसका स्कॉर्च मीटर है पूरा, वो देख रहे हैं हमें आग लगने वाला दिखा रहे हैं। आई थिंक इफेक्ट हो रही है हमें, क्या चक्कर है? हाय हाय पड़ी है पीछे से। नाइस यार, ओए ओए हेल्थ 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 बढ़िया। इसकी मूव्स उतनी मुश्किल नहीं है जो हेल्थ ज्यादा लेके जाए। हाँ छोटी छोटी लेकिन ये है ना। बट वेट करते हैं। चलो भाई है बड़ा तेज है, मूव भी क्विक है। फ्रीज कर दे इसको। चल भाई हवा में अपना वो। चल भाई मार ये चीज। ये जो पड़ती है ना इधर, इनको स्टन होते हैं लोग सही से। नाइस नाइस सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। ये तो इजी है यार, ये उससे भी सर पार्ट से भी इजी है मेरे ख्याल से। ये पहला बॉस था। यस पहले इसके पास आना था, मारना था, पर हम चिड़िया बन के वो होए होए बच 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 वो बन के इग्नोर कर गए। हाय 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 ओए हेल्थ हेल्थ भाई। ओ भाई हेल्प बचा। एक ना पहले आग तो बुझाऊं। कंसेक्यूटिव रोल्स करेंगे तो आग बुझ जाती है। यस चलो भाई बच 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 भाई। ओए मैं पूरी शॉट पड़ गई। फ्री इफेक्ट आ जाए तो खत्म करें भाई। ये क्या कर रहा है वो? ये डंडे पे चल। आगे 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 मार फ्रीज और इसको खत्म करते हैं। इधर गया। नाइस लेट्स गो। पहली दफा में दूसरा बॉस भी मार दिया। बट दिस वाज इजी। ये इजी लास्ट प्ले से इजी था। ओ इसकी हम पिक कर सकते हैं। ओ भाई जान। ओ लेवल भी अप हो गया साथ। कमाल यार। रेप्टाइड स्पेल्स। रेप्टाइड्स। As the feral flurry intensifies with each fierce thrust, the flames do rise. Transform into a wolf Gaia. ये इसको हमें यूज करना चाहिए अब। Scorch bane on the enemies with each attack. So हम उसकी शेप ले सकते हैं। स्पेल है ये जिससे हम वुल्फ बन सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने आप को। ओके और उनकी हेल्थ बार और मीटर भी उनका वाला आ जाएगा। नाइस 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 ओके चलो भाई गैदर करते हैं। ये स्पेल अच्छा आ गया। दो स्पेल्स अनलॉक हो गए हमारे और उधर से हमें वो उसका वो बीड्स मिल गए जिसकी वजह से हम लोग क्रिटिकल अटैक हमारा हिट दे सकते हैं। रिंग बेल ये क्या है? किसी को कॉल दी हमने आई थिंक। नो क्लू क्या सीन है बेल का। You just had to make some noise, did you? Now everyone knows you're here. When a chime so grand echoes in the forest, Yao Guais will surely be alarmed. Oh, alarmed कर दिया हमने बेल रिंग करके। सारों को पता होगा कि अब हम यहाँ पे हैं। So अब आई थिंक हमने सारे क्लियर कर लिए हैं ना। यस सब में हमें फास्ट ट्रैवल करना चाहिए। फास्ट ट्रैवल करते हैं और अपग्रेड कर लेते हैं। अपग्रेड आ गया हमारा। ये ब्लॉक है जगह।
यहाँ से नहीं जा सकते. ओके सो हमें फुल पीछे वहीं पे जाना पड़ेगा फास्ट ट्रैवल करने के लिए आई थिंक सो. तो हम वापस वहीं चलते हैं जल्दी से यहाँ से. ऑलराइट सो हम पहुँच गए हैं वापस. इससे आगे वाली जगह हम क्लियर कर चुके थे. यहाँ पे हमने सारे बॉस वगैरह मार दिए हैं. बिल्कुल. लेट्स सी अगर हम एक और आर्मर भी क्राफ्ट कर सकते हैं ब्रो. दिस इज गुड. सो सबसे ज्यादा हेड गियर आई थिंक लगाना चाहिए ना. नहीं, ये डिफेंस गिरा रहा है जो हमने पहना हुआ है वो ज्यादा पावरफुल है, ये बढ़ा रहा है. सो हम ये भी क्राफ्ट कर लेते हैं, लगा लेते हैं भाई. ओके अपग्रेड भी आ गया था, रेस्ट भी करना है हमने. अपग्रेड भी देख लेते हैं. एक अपग्रेड है, तीसरा स्टैंस भी खोल लें. यस थ्रस्ट स्टैंस अभी नहीं खुल सकता मेरे ख्याल से. ये 20 क्या दिखा रहा है, ये अभी नहीं खुल सकता. अच्छा 20 लेवल पे थ्रस्ट खुलेगा, जाके अनलॉक होगा. ठीक है, तब तक हम इसको ही बढ़ा सकते हैं. इनको ये क्या है, ईच टैलेंट लेवल स्लाइटली इंक्रीज द हेल्थ रिकवरी अपॉन कंज्यूमिंग अ फोकस पॉइंट. बढ़ाने तो हमने सारे ही हैं, लेकिन let's see, transformation का टैब भी खुल गया हमारा. But ये भी आगे I think level, high levels पे चाहिए इसके लिए. ये वाला एक तो हो गया ना. Yes. Okay. चलो भाई fast travel करें. ये यहाँ यहाँ से निकले थे टेंपल से बाहर यहाँ पे. ओके तो हम लास्ट लोकेशन पे आ गए जहाँ आखिरी एपिसोड खत्म की थी. पिछले बॉसेस वगैरह सारे क्लियर कर दिए हम लोगों ने. मसला ये है कि हम लोग आगे पीछे भी जगह वगैरह ढूंढ ले, अगर कोई पाथ है तो उस पे जाना है नजर आ गया, ताकि वहां पे बॉसेस छुपे हुए हैं जिनका जिनको ढूंढना भी है. आगे तो नहीं है कोई. अब ये क्या है, मर्चेंट है कोई, क्या बात है भाई. फुल टाइम चाचा चाचा ड्राइंग कर रहे हैं. चाचा शैंगली हैं. देयर व्हील्स फ्लोट अलॉफ्ट नेवर टू फेल. शेम योर गॉड सर्व्स लिटिल पर्पस एंड माइन आंसर्स सोली टू मी. उसकी गोड देख कितनी बड़ी है. यस I know a way to guide the souls, mend their paths and set them free. अच्छा ये हमारी कोई हेल्प करना चाह रहा है. ओह गॉड. ओह ये हमें मेरे ख्याल से गाइडेंस देगा जिससे हम सोल्स वगैरह, वो कह रहे हैं ना सोल्स बगैर मेंटोरशिप के आप नहीं ले सकते. इसने हमें गाइड किया, अब हम वो सोल वापस जाके उस गंजे की कंज्यूम कर सकते हैं और पावर ले सकते हैं. यस दिस इज बेटर. This god may save the lost, banish their obsessions and guide them. हाँ, इसने souls का ही कुछ दिया है. मुझे लगता है confirm वही चीज है कि अब हम souls वगैरह पकड़ सकेंगे. Mentorship वो कह नहीं रहा था कि guidance के बगैर नहीं कर सकते. The blessed god under the guidance of a wise master. देखा? Yes. The destined one has mastered the art of spirit absorption. I told you. कर सकते हैं जाके वापस. So अब हम वापस जाके वो soul, अगर इसको वापस रीच आउट करें तो क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं ना. ओ बस वही एक्सप्लेन कर रहा है आगे का. ओके 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 ये वापस वही बोल रहा है. हमें वापस पीछे जाना है, ट्रैवल करते हैं जल्दी से उस जगह पे. अच्छा जो जो ये गेम देख रहे हैं और वो खेल भी रहे हैं, उनकी गाइड के लिए ट्रैवल में जो सबसे ऊपर वाला एरिया है वो सबसे पहले वाला एरिया है, ठीक है, और सबसे नीचे वाला एरिया सबसे बाद वाला एरिया है, ठीक है. ओके ऑल लॉस्ट स्पिरिट्स हैव बीन रिट्रीव्ड. ओके सो आप जाके ले सकते हैं. हाँ सो बेसिकली जो ये गेम कह रहे हैं गाइड के लिए, वहां पे वापस जाने की जरूरत नहीं है उस लोकेशन में, बस उस लोकेशन के इधर आना है. यस सेफ पॉइंट फास्ट ट्रैवल पे. हाँ और वहां पे आपको वो उस जगह की एरिया की जितनी भी होंगी वो मिल जाएंगी. और ये क्या है, कल्टीवेट स्पिरिट्स, ये वही है. होल्ड टू कल्टीवेट, टेक द फॉर्म ऑफ वैंडरिंग वाइट. ओके होल्ड टू, आई थिंक आ गया हमारे पास. ये कल्टीवेट क्या कर रहे हैं हम लोग. रिड्यूस द क्यू आई कॉस्ट फॉर द स्किल्स. ब्लड ऑफ आयरन बुल, दो दफा हम लगा सकते हैं इस पे. ओके आई थिंक सारे स्पेंड कर दिए. टेक द फॉर्म ऑफ द वैंडरिंग विट, बाउ विद अटमोस्ट डिवोशन एंड रैम द फोर्स विद योर ब्रोजन स्कल. वॉच डेमो भी दे रहे हैं ना वो. Dealing massive damage. Okay, so हम इसकी form ले सकते हैं मेरे ख्याल से. भाई, nice यार. Let's go. एक और spirit वो मिल गया हमें. Yes.
ओके स्नेक ट्रेल में हम एक दफा फिर वापस आ गए हैं और सारी चीजें हमने ले ली है, रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट, मास्टर की गाइडेंस भी हमारे पास आ गई है और अब हम सोल्स भी ले सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। ये कौन है भाई? ये सांप वैसे ही है कोई, आई थिंक वो भाई सांप है। चलो भाई मर जाओ, अब मरोगे तुम। हर बंदा इधर हार्ड मोड में चल रहा है। अच्छा अगर तुम नीचे देखो बॉटम पे तो हमारे पास वो आ गया है RTLT, अगर हम दबाएंगे तो हम वो बन जाएंगे। यस और उससे बन के इनको वो देख, ये भी ये क्या, इसकी गर्दन वापस जुड़ी है। चल आई थिंक वो इक्विप करके देख उसको जरा ब्ला। ये चीज सालो कमाल। ओ अच्छा, अच्छा एक मूव मारता है। हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं हमारे पास। चलो भाई ये अच्छा पॉइजन कर रहे हैं हमें। ये अच्छी मूव थी। ओके ये किसी को स्टन करके ना फिर ये मूव मारी जाए। यहां वहां से आए ना। यस आगे जाना है यहां से। ओके यहां से हम नीचे उतर रहे हैं। यहां से रास्ता नहीं है इधर आगे जाने का। विल है यहां पे, विल पड़ी थी यहां पे और कुछ नहीं। ठीक है अब हम थॉरली सारी जगह इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हमने क्या करना है। तो यहां से जा सकते हैं आगे, चीजें हैं यहां से हम इधर से जा सकते हैं। यहां पे क्या बॉस होगा कोई? यस इधर भी कोई आई थिंक बॉस आएगा क्योंकि ये डिफरेंट जगह बनी हुई है। ओ ओ ये किसी ने छलांग मार डड्डू है। ओ भाई इनसे जल्दी भागना होता है, ये फटते हैं और पॉइजन कर देते हैं। ओ ये आ गया भाई अगला बॉस। ओ भाई डड्डू बड़ा मिनी बॉस। अच्छा अभी हमारे पास मूव उसको हम नहीं सिलेक्ट कर सकते ना, उसको बुला नहीं सकते। ये भी एक बॉस बना है यार, हालात देखो डड्डू भी बॉस बने हैं। ओ ओ पीछे से भी अटैक है। ओ ओ दो मार गया, बैक फ्लिप मार है भाई अगला। इसकी ऐसी की तैसी, आ जा बेटा। हाय 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 अब जो आई है ना हमारे पास मास्टर शिफू को ले आया। चल भाई अच्छा इसमें हमारे माना नहीं है, सिर्फ स्टेमिना शो कर रहा है। वापस आ गए अपनी हालत में, उसको आग लगा दी हमने और कंटिन्यूस उसकी हेल्थ जा रही है। नाइस यार ये अच्छी चीज है। ओए 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 ये पेट बड़े करके मार रहा है यार। वो दूसरा हेल्थ वो बंदा क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? अरे क्या हो गया? ओए ओए हेल्थ लगा हेल्थ, एक और चाहिए होगी हमें। ये डड्डू है क्या चीज है यार, बड़ा तेज है साला। इसको पिलर सांस पे नहीं मारना चाहिए हमें, चार्ज कर रहा था। चल आए हाय हाय बची 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 बच गए। ओ फ्रीज इफेक्ट भी आ गया है पड़ी उसको। चल भाई फ्रीज इफेक्ट आ गया यार, इधर हर बंदा बॉस बना हुआ यार, ये आप देख रहे हो मतलब के डड्डू को तो पेल दिया। चल भाई डड्डू, ओहो हो जुबान देख उसकी कितनी लंबी हो गई, की जुबान चेक करो, रेप्टाइल बना हुआ साला। चल भाई गया। आए हाय हाय लेट्स गो। ओ स्पिरिट, ओ इसकी भी स्पिरिट ले सकते हैं हम लोग, तो हम ये इनमें से कोई भी बन सकते हैं। टैडपोल मटेरियल भी हमें मिल गया है और इसकी स्पिरिट हमने वार्ड में ले लिया है, बॉली गुलांग की स्पिरिट। ये जो आई थिंक मिनी बॉस है ना, इनके लिए आपको साइट्स पे जाना पड़ता है। हाँ, कि जो एक्स्ट्रा पाथ वगैरह बना है वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे अब सर्च कर लेते हैं आगे आगे कुछ है यहाँ पे? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेट्स गो टू द लेफ्ट। इधर भी है, इधर है कुछ, यहाँ पे प्रॉपर रास्ता है। कोई आवाज़ आई थी पर ओके अब्सॉर्ब विल है। चलो भाई विल आ गए हमारे पास। ये हम जा किस रास्ते पे रहे हैं अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आई थिंक ये वापस कनेक्ट करेगा हमें आगे। यस ज़्यादा आगे यहाँ से जंप करते हैं। और कोई रास्ता तो नहीं है ना? नहीं नहीं और आए हैं, यहाँ से जंप करते हैं वापस, हमें उधर ही कनेक्ट करेगा भाई। अच्छा वो जो है ना दूसरा वाला, उसकी उसमें आने में टाइम लगेगा, नीचे वो लोअर है अभी मीटर। हाँ और जैसे जैसे हम लड़ेंगे तो मतलब कि वो मूव बहुत पक्की मारनी पड़ेगी, उसको वेस्ट नहीं करा। ये क्या है भाई, इनके सर जुड़ते हैं आके। चलो भाई गया 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 गया
एक और आ गया। चल 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 भाई जल्दी हम लोग स्टोरी की तरफ चलते हैं वापस। और आई थिंक आगे भी कुछ मैं तो भाई जंगलों में घूम गया हूँ टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता कि हम किस साइड जा रहे हैं लेकिन हम जा रहे हैं। ओए होए हेल्थ ले गया। अबे क्या कर रहे हैं भाई क्या हो रहा है। नाइस ये अच्छा था फ्रीज इफेक्ट आ गया आई थिंक। खत्म हो जाओ। हो गया भाई ये मर गए हैं आगे पीछे पीछे था ना वहाँ लेफ्ट पे जाना है। ये क्या कर रहा है आगे से लेफ्ट पीछे जाना है। पे ये क्या है इनके साथ ये कहाँ से निकल आ रहे हैं यहाँ जाना है। ये क्या जगह है आई थिंक बॉस आ रहा है। बॉस आ गया और हंबल वन नेम शुड माय डिमाइज कम बाय योर हैंड्स शुड माय प्लीज पास दिस मैसेज टू माय मास्टर। एक और बॉस फाइट यार। सर्चिंग फॉर डेटी मॉर्टल्स टू एस्पायर क्रेविंग इमोर्टैलिटी याओ गाइस श्योरली विल शायरी का था भाई है। चल बात ओए हेल्थ भी नहीं है यार। एक तो यार ये बताए बगैर शुरू हो जाते हैं। चल भाई ओ भाई ये क्या चीज है टेलीपोर्ट कर रहा है और पॉइजन फेंकता है मुंह से साला। ओहो भाई ये क्या चीज है यार इसको तो अटैक भी नहीं करता करे हम लोग। ये क्या शैब है। और ये बॉस आ गया फाइनली। बच 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 नाइस इधर फ्रीज करके उसको हेड मार देते हैं ना। पच 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 मार साले को हेड। ओए कमाल है हम इसको जलाएंगे ब्रो। गोंगमो नाम है भाई का। ये स्पिरिट से भरा पता नहीं क्या क्या है सुंदर हो। नाइस आइडिया ये अच्छा उसकी हेल्थ खत्म हो रही है। चल 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 गायब हो गए। वापस हम अपने रूप में आ गए भाई। थोड़ा सा डॉज करते हैं इसको फ्रीज करके वो उसका हेड मारेंगे उसका। नाइस 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 काफ़ी ज़्यादा हेल्थ चली गई है यार। गेम इंटेंस हो रही है इधर भाई। आ जा भाई फ्रीज इफेक्ट में टाइम लग रहा आने में। हेल्थ नहीं हेल्थ ले ले और हमें पॉइजन इफेक्ट कर गया। ये मरेगा साला मेरे से। अब थोड़ा सा वेट वेट हमने करना है इसको मार लेंगे। और ये तो वैसे ही जा रहा है भाई। ओए 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 सबर भाई ज़्यादा फ्री वो देख मुंह से पॉइजन फेंक रहे हैं। आ गया नहीं ये क्या विंड मारी इसने वो वर्ल्ड विंड्स निकाल रहे हैं साला। चल भाई खत्म कर आगे फ्रीज इफेक्ट और इसका हेड मारेंगे। क्या शॉट मारी दिस इज द परफेक्ट मजा आ गया। फ्रीज करके साले के मुंह पे मारो सर। कमाल अब बेटा स्पिरिट ले रहे हैं हम लोग। ओए इसका भी स्पिरिट ले मतलब हम जिसको भी मारेंगे उसका स्पिरिट ले सकेंगे। ये अच्छी चीज है। लेवल भी अप हो गया भाई। नाइस सही जा रहे हैं। ब्लड ऑफ आयरन बुल हमें और मिला है। ओके अच्छा बॉन मू स्पिरिट आ गया ब्रो। ये जो ब्लड ऑफ आयरन बुल मिल रहा है ना ये हमें बचा के रखना है किसी एक बंदे को लेवल अप करें। हमने उसके टैड बोल पे भी लगा दिया बिला वजह और इस पे भी लगा दिया। नहीं 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 आप सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। लेवल अपग्रेड आ गया ना हमारा वो कर लेते हैं। यहां से आए थे हम नहीं यहां से नहीं आए थे यहां से आए थे यार। एक तो यहाँ पे कोई मैप कोई गाइडेंस कुछ नहीं। अच्छा ये राइट पे जो हमारे पास पड़े हैं टाइगर सबड्यूइंग पैलेट्स एंटी मियास्मा पाउडर longevity decoction यही हेल्थ है ना। evil repelling medicament
अच्छा ये कुछ चीजें हैं जो हम ये भी यूज कर सकते हैं पावर एम्पावरमेंट के लिए। जल्दी से आई थिंक हमें सेफ पॉइंट ढूंढना चाहिए। यही है यार ये आई थिंक कंट्रोलर दूसरा लगा ले ताकि वो पता है नहीं, ये गाइड आपको गाइड करता रहे। ये गाइड इधर से ही मिलेगी, मतलब वो उस कंट्रोलर से नहीं मिलेगी, वो वाला सीन फाइनली आ गया। पर हमने एक और श्राइन अनलॉक कर लिया, काफी चीजें भी यस इधर अपग्रेड करेंगे हम लोग अपनी। पहले हम रेस्ट कर लें जल्दी से और सारे लेवल अप हो गए। क्राफ्ट में जा के देखते हैं, आर्मर में देखते हैं। अच्छा तीन चीजें तो हम क्राफ्ट कर चुके हैं मेरे ख्याल से, हमें ये भी अच्छा नहीं है, ये भी क्राफ्ट कर लेना चाहिए क्योंकि देख इससे फायदा ये होगा। मुझे ये पता कि ये दो सिर्फ दो डिफेंस डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इन्हीं चार चीजों को पहनने से हमारे ये स्प्रिंटिंग वाला चार का वो अनलॉक हो जाएगा, तो ये बफ है एक तरह से। सही है, सो हम वो मास्क उतार के ये पहन लेते हैं। अब व्हेन स्प्रिंटिंग ईच सेकंड मॉडरेटली इंक्रीजेस अटैक, दिस इफेक्ट कैन स्टैक अप टू 10 टाइम्स एंड विल सीज अपॉन स्टॉपिंग। सही, मतलब अगर हम भागते भागते किसी को मारेंगे तो हमारा अटैक ज्यादा डैमेज हो जाएगा। अच्छा कल्टीवेट स्पिरिट्स में जाके सीन ये है कि आप किसी भी स्पिरिट को जिसको आप रखना चाहते हो उसका लेवल बढ़ाओ, हर किसी का नहीं बढ़ाओ। हाँ, और इसके लिए अब ये देख ब्लड ऑफ आयरन बुल 2 चाहिए और विल इतनी चाहिए, इसका लेवल और ज्यादा इंक्रीज करने इसी को हम अप करें। इसके लिए टैडपोल्स चाहिए, इसके लिए सिर्फ विल चाहिए। ठीक हो गया, तो गुड सीन्स है। यस अपग्रेड भी आ गया होगा ना, अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे देख यहाँ स्पिरिट्स हम चेंज कर सकते हैं। यस ठीक है, सो यहाँ पे हम कोई भी एक स्पिरिट रख सकते हैं, वो सही है जो अभी हमने रखा हुआ है। पर हम देख सकते हैं कौन सा स्पिरिट क्या करता है, तो ज्यादा पावरफुल कौन सा होना। ओह इंक्रीज पॉइजन डैमेज, वो ये सांप निकाल देता है जमीन से और वो मारता रहता है ओवर टाइम। ये अच्छा है, ओवर टाइम डैमेज कर रहा है उनको पॉइजन का। हाँ विच इज गुड, -20 बता रहा है, -20 डिफेंस है ना, ये डिफेंस बढ़ा डिफेंस भी बढ़ा रहा है आपका, पर एक ही शॉट है ना, उस शॉट के टाइम पे टैडपोल वो देखिए क्या कर रहा है, जबान से मार रहा है क्राउड कंट्रोल के लिए। ठीक है ठीक है, दिस स्पिरिट्स आर गुड, वी कैन गो फॉर देम। करते हैं कितने एक पॉइंट है हमारे पास, स्टैंड्स में जाएं या फाउंडेशंस में जाएं? फाउंडेशंस में हमारे पास क्या है, ये ग्रांट मोर फोकस व्हेन द सेकंड मूव ऑफ लाइट अटैक कॉम्बोज हिट एन एनिमी, ये फोकस ज्यादा जनरेट करेगा। आई थिंक हेल्थ पे लगाना चाहिए, हेल्थ भी हमारी आगे जाके। ये भी कुछ खुल गया, ईच चैलेंज स्लाइटली रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ 4 बेन्स इफेक्ट्स। ओ, जो अगर हमें पॉइजन या फ्लेम या वो मिला हुआ है ना, yes. तो अगर हम टैलेंट जो हमारा जो भी है वो उसको रिड्यूस कर देगा उसके इफेक्ट को। ईच टैलेंट लेवल स्लाइटली इंक्रीजेस क्रिटिकल हिट चांस। सो स्टाफ स्टैंड पे और क्या है, डैमेज पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ये मूव चेक कर। ओ तेरी क्या, चलो भाई ये अच्छी है। यस सक्सेसफुल स्काईफॉल स्ट्राइक भी पड़ती है। ठीक है ओके, सो आई गेस वी आर रेडी। मैप तो इन्होंने कोई देना नहीं हमें, अब वहां पे अब मसला है। ओ ये देखिए चार्ज हो गया भागते भागते, yes. देख रहा है अब ये इसका मतलब है हमारा अटैक बढ़। ये हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वापस आए थे, यहीं से आए थे ना हम। हाँ इधर उसको हराया, yes, इधर हराया। पर हमने इधर ऊपर वगैरह कहीं नहीं चेक नहीं किया अभी तक। ओ ये फिर आ गया है, ये वही रिंग बेल है, बेल रिंग करेंगे तो वो और ज्यादा मोहतात हो जाएंगे। कर दें, हाँ कर देते हैं। अबे आ गए हम, समझ रहे हो, सुन लो सारो, घंटे बजा रहे हैं हम लोग सारे ताकि तुम लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ का बंदा हमने पेल दिया। ओके यार मंकीज की मूव्स जो है इसकी वो दिखानी चाहिए, दरख्त पे इधर उधर चढ़ के। After the bell rang, it seems as though there is आगे यहाँ से लेफ्ट जाना है ना हमने, यहाँ से हम आए थे, यहाँ से आए थे आगे से लेफ्ट जाना, वहाँ से अपने बेल बजा दिया। हाँ अब यहीं जाना है। ठीक है, जस्ट इन केस हम सारी जगह पे चले जाते हैं ताकि कोई बॉस मिस ना हो। बिल्कुल, और आप लोगों को भी पता लगता रहे। अच्छा चलो भाई, ओके यहीं से आगे जाना है हमने। अब ये क्या कुछ है इधर, ये अच्छा गैदर कर सकते हैं, वीटा फ्रैगमेंट वाइन है ये। ओके
कोई पत्ते शत्ते हैं, इनसे क्या होगा आगे, ये सही जा रहे हैं अभी तक, ये रास्ता ब्लॉक्ड है, यही रास्ता है सिर्फ, बिल्कुल ओके। इसमें ये अच्छे बॉसेस आते रहते हैं, बंदा एंगेज रहता है, गेम बोर नहीं होती। ओह भाई मुंह से क्या फेंक रहा है, आई थिंक फ्रीज करके उसको मार दे ताकि वो ना हमें डैमेज दे। आए आए आगे भागते भागते मारता हूँ, चल भाई देख भागते भागते अब डैमेज ज़्यादा हो रहा है। गया, ये क्या हुआ, ये क्या है? These snake guys are nothing to fear. Snake gall steeped in drink, though, makes a fine tonic to flush malady. Here, young friend, be my guest inside. Oh, gall gem mila kuch. और ये मतलब merchant है क्या? हमारा कोई helper ही है क्योंकि बंदर ही है तो वो तो हमारे उसमें सही है ना? Yes, will मिल गई हमें काफी ज़्यादा. जी भाई. क्या कह रहे थे, बात करते हैं से जाके। ओके वेल वेल आईड स्टेक योर वन मोर मंकी फ्रॉम माउंट कुकू आई मेट मेनी ऑफ यू अच्छा रैंक ऑफ बर्थ यू ऑल ओट टू कॉल मी फोर फादर ओह गॉड अपग्रेड ड्रिंक्स रियू स्टोर आई थिंक गॉड करना चाहिए नाम में गॉड को अपग्रेड करेंगे हम ये ओल्ड गॉड है यार हमारा वाला क्यों नहीं अपग्रेड हो रहा फेल ब्लेजर जो है अपग्रेड ड्रिंक इसको नहीं कर सकते रिकवर मोर हेल्थ अपॉन यूजिंग द गॉर्ड यस अवेकन वाइन वार्म चाहिए हमें इसके लिए ब्रू ब्रू में क्या है कुछ नहीं है अभी तक ये रख सकते हैं ना अभी जो मिला यूजिंग द गॉर्ड मॉडरेटली इंक्रीजेस द पॉइजन रेजिस्टेंस ओ ये लगा दिया ना हमने अब हम गॉर्ड यूज करेंगे ना यस तो जो पॉइजन रेजिस्टेंस है वो हमारी बढ़ जाएगी, हो जाएगी। स्टोर में क्या बाय क्या कर सकते हैं ये अभी क्या पैसे नहीं है स्टेल लोटस सीड आई थिंक उसको अपग्रेड कर लेते हैं गॉड को जाके पर ये गॉड पुराना वाला ये हमारा वाला नहीं है ऐड होगा उसमें हां वैसे कुछ ही वेस्ट तो नहीं हो रही एक मिनट हमारा वाला ट्रेल ब्लेजर था ना इक्विपमेंट में जाएं यहां बताना इन्वेंटरी ये देखिए ये वाला अपग्रेड कर रहा है अगर इसको इक्विप करें तो ट्रेल ब्लेजर को करेगा अपग्रेड देखते हैं क्या चक्कर है नहीं यही अपग्रेड कर रहा है पर कुछ फ्री है वो लुइजा फ्रैगमेंट वाइन यूज हो रही है पर ठीक है वो इधर ही यूज होनी है इसको अपग्रेड कर लेते हैं इंक्रीजेस गॉड यूजेस अब ये गॉड जो है हमारा वो भी उस जितना ही हो गया है बिल्कुल ट्रेल ब्लेजर गलती से बटन दब गया अब वो भी 5 के ही बराबर हो गए वो देख रहे मेडिसिन गोल्ड नीचे 5 हो गया और ये इस पे भी लग गया तो हम यही कोई प्रकट लेकिन इसने इसको अपग्रेड नहीं किया दैट इज फनी मतलब स्किन ही है ना सिर्फ और तो कोई इसका डिफरेंट यूज नहीं यहाँ से आई थिंक वापस जाएंगे अब यहाँ से आगे भी कुछ है ब्रो नीचे जा सकते हैं यस जा सकते हैं तो क्या चीज है नीचे जाके देखते हैं आई थिंक कोई बॉस ना हो आगे हां ओ ये वही ब्रिज वहीं कनेक्ट अच्छा, हो रहा ठीक है नीचे जाना है ठीक है एक ही रास्ते पे कनेक्ट हो रहा है इधर तो कुछ नहीं है नीचे नहीं जा सकते यहाँ से इधर भी नहीं जा सकते यस यहीं जाना है हमने बिल्कुल यहाँ पे कोई बॉस आएगा एक के बाद एक बॉस गेम आपको यार वो नहीं करती बोर नहीं कर रही व्हाट डिम्ड योर शाइन अब कौन आ रहा साला नजर नहीं आ रहा अभी तक फ्यूचर स्टिल वो वहां से उसने स्पीयर फेंका ओ भाई साहब ये कौन है भाई वाइट क्लैड नोबल लेट इन आवर्स यंग वन ये क्या चीज है भाई ये सांप का कुछ लग रहा है वो उसकी स्किन वगैरह से एक्वामैन का भाई शाही नहीं होता कुछ पानी का कीड़ा ओ हो हो आते साथ ही फेल दिया हेल्थ भी काफी ज्यादा यार इसकी पता चल भाई क्या चीज किस सही फिट इफेक्ट हुआ इसको चल 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 बच बच बच
अबे ओ साले भाई खबर कर क्या कर रहा है नाइस वे दूर भाग जाते एकदम तो आग होगा चल भाई वापस आ गए हम हेल्थ काफी ले गए बट इसकी हम नाइस 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 फ्रीज इफेक्ट अभी तक नहीं आया ओहो शॉर्टेज चेक कर यार उसकी ओ तेरी यार साले पागल आजा ये मुझे लग रहा मछली की फैमिली से आया ना सांप है ये सांप की पानी से कुछ है इसका लिंक पता अभी यार फ्रीज इफेक्ट आए ना वो देख भाई टिक मेरा ये वो तेज है यार हेल्थ चाहिए हेल्थ हेल्थ ले ले बस नहीं ले ले चल फुल हो गया आ गया फ्रीज इफेक्ट पकड़ चल साले को ये चीज डैमेज दे कितना गया भाई कमाल वो तो सर पड़ा है इसको कुछ हुआ नहीं इतना ज्यादा ना कोई टुन छुन नहीं हुआ ये दफा नीचे देख हेल्थ भी है हमारे पास लॉन्जिटिविटी जो है ये क्या मार रहा है वो टेलीपोर्ट हुआ साला और मैं बच गया हूँ ओह बच 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 वो देख नीचे जो है लॉन्जिटिविटी हाँ ये यूज कर सकते हैं यस थोड़ी सी हेल्थ दी है उसने हमें फ्रीज इफेक्ट आने वाले थोड़ा सा वेट कर ये रुक ही नहीं रहा है बस मर जाएगा यार टाइम है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें ओए होए होए बची ओए साला आ गई आ गई आ गई चल भाई थोड़ा सा रह गया मारना है इसको भाई कमाल चल 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 मार लिया भाई पहली बारी में ओए मरा नहीं ये क्या हुआ अब ये कुछ और यू हैव फोर्स्ड माय हैंड ये कुछ और तो नहीं बन जाएगा भाई ये सांप है आंखें देख उसकी यस फेस बड़ा ट्रूली आई एम अब आएगा अपने उसमें वो देख सांप कह रहा हूं ना तुझे ये क्या हमारी हेल्थ नहीं और फुल हेल्थ पे आ गया ब्रो वो तेज भी हो गया यार ये तो लो लो ओ ओ भाई हेल्थ नहीं हमारी क्या चक्कर है ये तो लोल हो गया हमारे साथ दो तो बच की हेल्थ खत्म करनी है हमने ये कैसे करेंगे ये तो मुश्किल है यार Courage alone will not guide you far, imposter. चलो भाई वापस आते हैं इधर Imposter. ये तो बैड सीन हो गया मतलब कि ये एक बॉस में दो दो मजे ओके लेट्स गो इस सांप के बच्चे को नहीं छोड़ना आ जाओ यस लाइक डॉज बहुत जरूरी है भाई उसके बगैर नामुमकिन हो जाएगा हाय 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 आग लग जाए ना इसको साले को एक दफा सही जा ओए होए होए थोड़ा सा डैमेज दे गया हमें हम ट्राई करेंगे इसको जल्दी से मारें ओ भाई शिट चेंज हो गए वापस ये पहली हिट नहीं पड़नी चाहिए डैमेज रिडक्शन वाला पी लेते हैं इससे हमारे डैमेज कम होगा शिट भाई किधर ले गए डैमेज अभी ना पी जरूरत है ब्रो मर जाएंगे अबे स्पीड कितनी देर है तेरी भाई आ जा नहीं आएगा अटैक करना आई थिंक हमने तो साला वेट करता है कि हम अटैक करें तो वो अटैक करेगा वो देख कितना लंबा अटैक है यार इसका फ्रीज इफेक्ट आ गया इसको हेड मार दे आई थिंक ये चीज नाइस हेड उसको मारेंगे आप वाला जब बना वो हाँ स्टेमिना चला गया हमारा वापस आ गया स्टेमिना मार ये चीज यार ये शॉट उससे लगे ना मजा आ जाए अच्छी खेल रहे हैं अभी तक अभी हम लोग
मर जा साले गया नहीं यार गया और दो बार्स भी हमारे फुल हैं जिससे हम स्टैंड्स लेकर उसको मार सकते हैं फ्रीज वाले में कितनी देर है ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाली आई थिंक हो गए तब तक हम इसको खुद पेलेंगे पहले हम फ्रीज करेंगे स्टार मारेंगे जब तक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी आ गई है चल भाई मार इसको आजा मिडल में साले यार ये गंद है ये अटैक जो है ना इसका बच 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 चल भाई फ्रीज कर इसको वो एकदम भाग जाता है यार रुक साले आए हाय हाय मज़ा आ गया अब इसे थोड़ा सा बचना है ट्रांसफॉर्म का वेट करना है हमें आए हाय हाय मज़ा तू साले नीचे मार मज़ा इसको हम गंजे को मारें टकला कर यार ये यार किधर फेंक चल भाई पागल हो गया बची बची ओ बच गए चढ़ाऊं मैं बच तो गए डैमेज नहीं गया मैं हेल्थ काफी चली गई बट ये चीज आ जा नाइस ओह स्टैमिना खत्म हो गया है दूर जाना पड़ेगा यार ठीक है अटैक हील बचा के रखें अभी चल फ्रीज इफेक्ट आ गया मार ट्रांसफॉर्म भी आने वाला है ओए हील चाहिए ट्रांसफॉर्म चल भाई ट्रांसफॉर्म करते हैं काफ़ी तेज़ है यार ये इसको मारने में काफ़ी मसला हो रहा है चल ओ भाई क्या अटैक कर रहा है चल भाई कर सकते हैं हो सकता है ना वापस आ गए हील कर ले ब्रो चल बच गए थोड़ा सा रह गया यार मर जा प्लीज ये चीज़ डॉच करना है ओ बच गए नाइस ना ये काम ना कर अटैक कर देगा नहीं करेगा वो लगाना है ताकि हमें डैमेज रिडक्शन हो ओ नाइस ये चीज़ मर साले मर आपको गर्दन काट दो स्नेक का वो भी आ गया अनलॉक मार इसकी गर्दन काट No ill will, I bet. Oh, my brother's eyes and ears. I feign my loyalty to God. This path on the bear's order. Bear's order. कोई भालू है आगे भाई? And stark. His plea against all. In its grip, we share the mark. Oh. The Guanyin Temple now lies in cinders. Did the elder soul endure? चल भाई मर जा. The root of greed and fosters the stem of suffering. मर गया चल भाई खलास यार मुझे लगा इसका वो मिलेगा वेपन हमें हां नहीं आई थिंक सोल तो मिलेगी ना चेड पाउ कुछ ओ लेवल 16 चला गया कुछ तो दो भाई डू यू टू नहीं इसका आई थिंक न्यू कैरेक्टर एनकोड रिकॉर्डेड एनकोड रिकॉर्डेड इधर जा सकते हैं यहाँ जा सकते हैं आगे लेकिन चेस्ट कहाँ पे यार चेस्ट तो मिलनी चाहिए ये टेंपल में होगी चेस्ट इधर क्या है आगे Bro, this is confusing. अब left path लें, right path लें. अंदर यहाँ से जाते हैं आगे save point देखते हैं ना पहले. गेम सेव करना ब्लैक विंड केव आ गया ये हम विल लेते हैं ब्रो गॉड नहीं है हेल्थ भी नहीं है आगे जाके वो लेते हैं ना पहले सेव तो करें गेम इधर कहीं होगा सेव पॉइंट होगा इधर जगह वही कनेक्ट तो नहीं करे इधर नहीं है हमें पीछे जाना है यहाँ पे अभी तक कोई सेव पॉइंट नहीं आया पीछे चलते हैं लेफ्ट पे क्या है वो देखते हैं मेरे ख्याल से लेफ्ट पे वहाँ से लेफ्ट पे सेव पॉइंट होगा यस क्योंकि ये जगह आगे फर्दर स्टोरी में जा रही है ब्लैक विंड केव शुरू हो गया ना
ओके और ये जगह इधर से ही कनेक्टेड है, इधर आगे जाके देखते हैं कि आप तो कोई चेस्ट वगैरह। यार इतना हार्ड वो विलन बॉस जो भी था ये मारा है और कोई रिवॉर्ड वगैरह नहीं मिला है। बिल्कुल टेंपल है आगे। अच्छा इधर वही साउंड करने हमने वो इसको लटकाया है ऊपर। ओहो भाई कितने ज़्यादा हैं वो, ट्रांसफॉर्म कर लेते मर जाएंगे भाई। चल भाई निकलो सालो। ट्रांसफॉर्मेशन में ये अच्छी बात है कि आपकी हेल्थ भी काउंट होती। गए यस चले गए भाई। ये किसको लटकाया हुआ, वुल्फ को ही लटकाया हुआ किसी। हाँ आई थिंक वापस जाना पड़ेगा उसमें अपने ट्रांसफॉर्म में जाना पड़ेगा। पर ये तो सिर्फ बेल है, ये क्या बकवास है यार। वहाँ से आगे जाना पड़ेगा, कोई सेफ पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बेल ही रिंग करनी है। ओके ठीक है भाई चलो भाई। शायद उस साइड पे एक आधे बंदे को मार के आए सेफ पॉइंट। बेल हमने रिंग कर दिया क्योंकि हम घंटे बजाए जा रहे हैं। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम घंटे बजा रहे हैं। समझ आ रही है, सारों को बता रहे हैं भाई ये लैंड भी अब अपने कब्जे में। ओह लाइट, इस दफा घंटी बजने से कुछ हुआ है भाई, दरवाजा खुला है। ओके ऑब्सेशन रेमिनेंट ऑफ वर्ल्डली टाइज ट्रांसफॉर्म्स अनफिनिश्ड एस्पिरेशंस इनटू स्पेस व्हाट टैंजिबल एंड एथेरियल रियल स्टोरी। ओके सो बेसिकली ये सारे वो हैं, थ्री बिल्ड किया तो उसके बाद जाके कुछ हुआ है। हाँ और ये वो लोग हैं जो आ गए हैं इधर, मतलब कि पहले इस माउंटेन वगैरह में सब मंकीज वगैरह ही थे सारे, उस एक्सीडेंट के बाद से यहाँ पे और भी मखलूक आई गेस आ गई हैं बेड़ा गर्क करने सालों का। एंशिएंट टेंपल है भाई, अंदर जाके देखते हैं। ओके सो तीन बेल्स, ये तीसरी बेल जो हमने रिंग की है ये हमें कहीं टेलीपोर्ट करके किसी जगह पे ले आया है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि भाई हमें कुछ मिला है। तो व्यू वेपन लिस्ट आ रहा है अब इस पे। ओके ओ ट्विन सर्पेंट स्टाफ हम क्राफ्ट कर सकते हैं अब, लेकिन उसके लिए हमें बिल सिर्फ चाहिए ज्यादा चाहिए। और ये मॉडरेटली इंक्रीजेस द डैमेज ऑफ लाइट अटैक कॉम्बो फिनिशर्स, अटैक काफी ऊपर लेके जा रहे हैं यार। और द इफेक्ट इज मैसिवली एनहांस्ड व्हेन फाइटिंग इन वाटर। ओके सो हमारी फाइनली स्टाफ भी अपग्रेड हो रही है। अभी तक डिफेंस अपग्रेड हो रहा था, अब अटैक भी अपग्रेड हो रहा है। लेकिन ये जहाँ पे इन्होंने हमें टेलीपोर्ट किया ये देखते हैं ये जगह क्या है भाई। ओ सेफ पॉइंट आ गया, सेफ पॉइंट आ गया भाई, लेट्स गो। श्राइन को लिट करते हैं और देखते हैं राफ वेपन्स। सो वही जो मैं कह रहा हूँ क्राफ्टिंग वेपन का आ गया है, उसके लिए विल और चाहिए हमें। क्राफ्ट आर्मर, क्या कोई नया आर्मर भी आया। ओ भाई जान चेक करो भाई, डिफेंस भी ऊपर लेके जा रहा थोड़ी सी। मैसिवली रिड्यूसेस स्टेमिना कॉस्ट व्हेन इन वाटर। ओके पानी में थोड़ा सा मसला होने वाला है। नहीं पानी में जब होंगे तो स्टेमिना कॉस्ट कम लगेगी और ज्यादा फायदा होने वाला है पानी में। मैसिवली रिड्यूसेस स्टेमिना कॉस्ट व्हेन इन वाटर, तो मतलब हमारा स्टेमिना कम यूज होगा। यस लेकिन इसके लिए हमें तीन चीजें पहननी है। ये भी अच्छा हो गया, ये देख ये इंक्रीज नहीं कर रहा जो पीछे था। ग्लव्स थे क्या था, slowly लिए तो विल नहीं है हमारे पास। ओह सो अच्छा, इसका एक यूनिक इफेक्ट ये इस आर्मर का कि व्हेन हेल्थ इज लो स्लोली रिकवर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्थ। ये भी अच्छा well. है। और अगर हम पानी में खड़े हैं तो इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ये अपग्रेड कर सकते हैं पता है, ये कर लेते हैं। पॉइजंस और डिफेंस बढ़ा रहा है, यस ये भी ले सकते हैं ना, ये ज्यादा बढ़ा रहा है। हां ये कर सकते हैं, तो इसको इक्विप कर लेते हैं। आगे जाके अपना कॉस्ट्यूम वगैरह करेंगे हम लोग। हाँ लेकिन हमें विल भी चाहिए स्टाफ के लिए। सो ओके लेवल भी अप हो गया, आ गया होगा आई थिंक लेवल अप हमारे पास। आ गया आ गया, एक लेवल पड़ा है हमारे पास। स्टाफ में ही चलते हैं। यस ओह ये वाला भी अच्छा है यार स्टाफ का, लेकिन यार मैं स्मैश स्टैंस पे ज्यादा तवज्जो देना चाह रहा हूँ। डैमेज रिडक्शन अपॉन चार्ज्ड हैवी अटैक। ओके स्टेमिना कॉस्ट फॉर चार्ज्ड अटैक्स, इस पे चलते हैं।
ओके सो हम स्टाफ वगैरह भी अपनी अपग्रेड कर सकते हैं फाइनली, लेकिन इस टेंपल में आगे भी दरवाजा है कोई, सो आई गेस एक और बॉस अवेट्स अस और समथिंग। चेस्ट आ गई है, चेस्ट भी बड़ी थी भाई। क्या मिला? चलो भाई, ओ वानियर प्रेयर बीड्स, ये किसी और के बीड्स हैं। ये क्या है? नीचे इक्विप कर सकते हैं ना बीड्स में जाके। ओके, आफ्टर अब्सॉर्बिंग द लिंगरिंग विल मॉडरेटली इंक्रीजेस मैक्सिमम हेल्थ एंड माना फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अच्छा अच्छा, ये आई थिंक इक्विप कर लग इसको। ये चीज, वो ये भी है, एक और चेस्ट है यहाँ पे, काफी चेस्ट्स पड़ी हुई हैं। यस, ये क्या है, एक और आर्मर पीस? नहीं, स्टोन स्पिरिट है। और कोई चेस्ट है? नहीं, आई थिंक बस यही। ओ, एक और भी है, नाइस। तीन चेस्ट समझ में आया। इसमें से क्या मिल रहा है? यार्न मिला। ओके, आगे चलते हैं। आई थिंक कोई बॉस आएगा। ना ही आए यार कोई। ये तो वही है सर, ये डिफरेंट करा का है। एल्डर जिंची, जिंची अमिताभ, अमिताभ बच्चन का था। फाइनली द थ्री बेल्स सैंग, ये कोई अमिताभ बच्चन से इंस्पायर हुआ है। आई हियर न्यू क्वेश्चन, ये साला पागल है। तीन बेल बजी हैं तो हम यहाँ पहुंचे हैं। I cannot see you. Oh, ये अंधा है। But I recognize your door. I cannot be you. Cannot be you. You are back. You are back. Oh, डर गया। ये समझ रहा है कि हम वो हैं। सुन भी वो कौन है? It must be you who took that Kasaya. Now give it back. Oh, ये क्या है साथ में इसके? ओ भाई साहब, ओ आते साथ ये तो चार्ज करके मार रहा है भाई। बच, ओ भाई डैमेज, आई थिंक ट्रांसफॉर्म का टाइम आ गया। हेल्थ काफी ज्यादा है यार इसकी। मेजर बॉस फाइट्स हैपनिंग ब्रो, चलो जा। So, पहले बॉस से हम ये रिवायत हम कायम रखेंगे। जैसे ही हम पहली फाइट करते हैं उस बॉस से हम पिटते हैं और उसके बाद फिर हम उसको पीटते हैं। पर कोई बात नहीं, ये कोई नया आया है, एल्डर जिंची। ओके लेट्स गो बेटा। चलो भाई फॉर्म करते हैं। बच गए, इसको आग लगानी है सही से। यस, आग लगेगी तो डैमेज जाता है इसको। ये छह आग लगी है भाई। ओके, दूर 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 हो गया इससे। पागल हो गया, पागल हो गया। आग लगी साले, हेल्प चाहिए, हेल्प कर ले वापस। लेनी पड़ेगी। टाइम टू फ्रीज इफेक्ट भी आ गया अपने पास। पहले चल भाई फ्रीज कर इसको, स्लो हो गया। हाय हाय हाय, मजा आ गया। वो गिर गया। हाय हाय, चल भाई सही है सही है सही है। बंदे ले आए हमारे पास, हम चढ़ेंगे पिलर पे और देखेंगे इसके मुंह पे।
वो हीलिंग प्रोसेस में चला गया है। इधर हमने खड़े होना है, बंदों को मारना है जो जो आएंगे, इसके बंदों को मारना है। आओ कहाँ से आ रहे हो साले? आओ भाई आ जाओ, दूर नहीं जाना। आओ सालो। अच्छा नो आई कैन नॉट लेट यू आ रहे सारे हील, एक शॉट से ये मर जाते हैं साले। आई कैन नॉट लेट यू, सही जगह फंसाया इसको हमने। हील ये यहाँ पे हील नहीं कर सकता, अगर हम इसके बंदों को मारी जाएंगे उल्टा हम हील होंगे। ये अच्छी चीज है, अब आएगा नीचे ना भी हील नहीं मिली यार इसको। और ट्रांसफॉर्म आ जाए एक दफा वापस, हमने इसको हील नहीं लेने दिया। यस थोड़ा सा हील हुआ है वो, बट ऑलमोस्ट बच गई उसकी हेल्थ उतनी की उतनी। चल भाई आ गया फ्री इफेक्ट आ गया, चल साले काम। Nice. सही जा रहे हैं, स्टैमिना खत्म, भाग भाग पीछे वापस। ओ इसने फिर वापस बंदे बुला दिए, चलो आ जाओ, स्टैमिना फुल हो गया हमारा, ट्रांसफॉर्म आ गया, हेल्थ हमें चाहिए ही नहीं तो हम भाग रहे हैं सीधा सीधा। माना भी खत्म हो रही है यार, हील कर लो, पर हेल्थ अच्छी है हमारे पास अभी। चलो आने वाला है, ये गंदी मूव ऐसे बचने, ये जीप बच गए। चल भाई वार्ड हमने एक भी दफा यूज नहीं किया, अब नहीं बचेगा वार्ड। आप बातें भी कर रहे हो, आग लगा दे यार इसको एक दफा। शिट कह रहा फ्रीज इफेक्ट आ रहा है, कौन नहीं पड़ेगी, आ गया फ्रीज इफेक्ट। ओ ये मारे साथ उसका हेड वापस आ रहा है, स्टैमिना चला गया पीछे हो जाए। नाइस इसने फिर बंदे बुला लिए हैं, वो है हेल्थ तो है, हेल्थ की जरूरत नहीं हमें। क्या हो गया बच्चे, स्लो हो गया बिल्कुल ही, बट माना नहीं हमारे पास, मारेंगे इसको, बचेगा नहीं ये साला थानोस। ओए बची, बच गए, चल भाई इसको वो मार कर यार, स्टांस वाला अटैक उसका जो है ना किलर, वो जब वो राइट कॉर्नर पे हमारा लोड होता है ना तब आता है स्टांस। ओके पहला गॉड हमने यूज कर लिया, बगैर गॉड के हम इसको पेन करने की जरूरत नहीं थी, पता हम इससे हील ले सकते थे इन बंदों से, पर रिस्क नहीं लेना, थोड़ी सी हेल्थ रह गई उसकी, बहुत करीब है हम। बची 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 बची, ओ नाइस नाइस नाइस, सही जा रहे हैं। कितना शॉट है मार रहा है यार, स्टेमिना देख उसका, ये चीज बच गया। नहीं नहीं हेल्थ बढ़ी है, हील कर ले, पता है हील है हमारे पास, सही है सही है यार, माना नहीं खत्म होनी चाहिए बस। ठीक है ठीक है ठीक है, माना आगे बढ़ाएंगे हम लोग, पॉइंट वगैरह माना पे रखेंगे। ये वो तेज हो गया, स्टेमिना ले गया भाई, गया गया गया, थोड़ा सा रह गया। ओए हमारे पास हेड भी आ गया, लास्ट और हेड मार उसको साले को मार। ये चीज सारे सीक्रेट बॉस डिफीटेड, एल्डर जिनची, इससे कुछ अच्छा मिलना चाहिए भाई। अनलॉक भी हुआ टेंपल का, कुछ मरा नहीं है। 270 years spent, वो भाई जान 200 साल से, 270 साल से बैठा है। असायास कलेक्टेड बाय द हंड्रेड्स, स्टिल वन शॉट विदाउट दिस। स्टॉप डरा वो जिनको मारा है हमने उनके नाम ले रहा है। Stop the fire, please stop. हो गया। नाइस भाई। दूध हो गए हो ब्रो। इसकी स्पिरिट मिल जाए ना अब। मजा आ जाए इसका सर मारे किसी एनिमी को लगा के। ओए होए होए। End of world beta is transformed the unfinished expansion. अच्छा ये वही ये ऑब्सेशन था जिसमें हम एंटर हुए हैं, तीन बेल्स बजा के।
वो देख वापस आ गए हम वापस। गेम सेव करें भाई जल्दी से। सेव किधर होनी थी? ये पास ही था ना। ओके ये एग्जामिन का भी आ गया। उड़ गया ये हमारे पास आ गया कुछ। ओ फायर प्रूफ मेंटल लेट एवरीथिंग एल्स बर्न आई केयर फॉर नथिंग बट माय मास्टर गिव इट टू मी क्विकली। ये क्या है भाई? ओ कुछ नया आ गया वो देख। हां अ ग्रेट सेज बॉर्डर इट्स फ्रॉम सो हाउ डिड इट एंड अप हियर यू मस्ट हैव फ्रीड द मिजरेबल सोल। चलो भाई ये पाथ कहीं नहीं जा रहा और कहीं चीज़। सेव पॉइंट किधर है यार हमारा? लेट्स हरी अप द माउंटेन। अच्छा वो हमें कह रहे हैं माउंट यहाँ वापस जाएंगे ना इधर से। यहाँ आगे तो कोई रास्ता नहीं था पहली थी। यस पीछे जाएंगे वो जो माइंड केव था उसमें ही सेव करेंगे जाके। मजा आ गया यार कमाल। काफी मुश्किल था बट हाँ लेकिन वो टेक्निक पता लग गई थी कि वो छोटे बंदे जो हैं उनसे अगर हम लड़के मारेंगे तो हेल्थ हमें मिलेगी। और यहाँ हमने सांप को डिफीट किया था साथ ही वो सेज का बॉस सीक्रेट बॉस जो था उस पे आ गए थे। अब हम वापस आ गए हैं ब्लैक विंड केव पे। यस ब्लैक विंड है ये। चलो भाई जेंटियन सीड्स आ गए हैं ये वैसे ही हैं भाई जिनको हम मार के आ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि क्या तुम हम कम यार इसको डैमेज नहीं हो रहा? ओ भाई पीस कर दे खत्म हो जाएगा। यस गया नाइस। चलो ये तो गया वापस सेव पॉइंट दे दो भाई। ये राइट पे होना चाहिए सेव पॉइंट। इधर क्या है? ओ मेडिटेट की जगह मेडिटेशन करेंगे इधर। और ये चेस्ट भी मिली है कोई इससे स्टेमिना या कोई चीज बढ़ा दो। हाँ सेलेस्टियल टाई पिल मिरेकुलस प्रोवाइडर किंग फादर फॉर द ईस्ट माउंटेन टू इंक्रीज मैक्सिमम माना। माना इंक्रीज हो गई हमारी। चल भाई अब सही है ये चीज। चलो मेडिटेशन कर लें थोड़ी और मेडिटेट कर लेते हैं जरा क्योंकि यू नो वादियों में आए हम लोग इतने पहाड़ और ऐसा एटमॉस्फेयर मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेंटल पीस और ऐसी गेम खेलने के बाद तो मेंटल पीस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कमाल ओके मेडिटेट हो रहा है इसको स्किप करते हैं इतनी भी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। मिशन पे है भाई। चलो भाई वो पावर लेवल अप हो गए 3 sparks आ गए हमारे पास 3 ability पावर्स। यहाँ से जल्दी से एबिलिटीज वो करते हैं। वो ये देख मेंटल का एक और वो आ गया हमारे पास। अब ये क्या करता है? When she is full, press RT and L to use vessel. Some hidden vessel left by the predecessor can be discovered in the journey. A unique power using them costs chi when be which can be recovered from hitting enemies. Achha. Okay. Iska demo dekhen kya karta hai ye? Kapda pehen liya humne upar. Wo dekh rahe koi cheez aa gayi hamare upar. Layering aa gayi hai. For a short duration after activation grants burn immunity and gradually increases focus. Focus भी हमारा जल्दी बढ़ाएगा और immunity भी दे देगा burn के खिलाफ। Highly effective in specific environments and against specific enemies. वही जो burn वाली enemies आगे हमारे पास आएंगे yes. उसका तो हल हमारे पास निकल आया। Advancements में चलते हैं यार। pillar stance काफी काम आता है हमारे। बिल्कुल So और ये भी काम आ रहा है। दूसरा इससे ज्यादा नीचे इसको अनलॉक नहीं कर सकते तो पिलर स्टैंस में एक पॉइंट देते हैं। ओ खुल गया आ गया जी भाई। और हमारे फोकस पॉइंट्स भी बढ़ गए हैं। यस 3 हो गए हैं अब। क्विक हैंड इंक्रीजेस चार्ज स्पीड ऑफ ऑल स्टैंसेस। अच्छा ये ईच टर्न स्लाइटली इंक्रीजेस। ये क्या है? मैसिव फोकस अपॉन सीइंग ये ये स्ट्राइक्स अच्छी हैं। इसको देते हैं एक पॉइंट ठीक है। साथ में स्टैंसेस सारे लेकर चलते हैं ना। यस yes. ओ हम स्टाफ पे खड़े हो सकते हैं और इसकी वजह से हम ग्राउंड भी पी सकते हैं स्टाफ okay. पे खड़े होके मतलब के वो है। अच्छा लेकिन हम देखते हैं इस जगह को। इसको अभी तक हमने नहीं दिया स्टेमिना कॉस्ट ऑफ हैवी चार्ज। ये भी कम स्टेमिना लेगी। चलो भाई फिनिश हो गए हैं।
सो ऑलराइट, ये तो हो गया हमारा, इसको हम अच्छा क्राफ्ट तो अब हम उधर ही जाके कर सकेंगे। yes. वापस चलते हैं, जल्दी से सेफ पॉइंट ढूंढते हैं और वहाँ पे एपिसोड एंड करते हैं। एपिसोड में काफ़ी बॉस हम मार चुके हैं बिल्कुल, और ये देखते साथ ही फुदकने लग रही है। ये जैगुआर टाइप कोई चीज़ें है क्या है? ये वुल्फ तो नहीं, ये देख रहे हैं तो शेर टाइप लग रहा है। तीन पॉइंट फोकस के हो गए हैं, देख रहे हैं राइट साइड पे बिल्कुल। चल भाई सेव पॉइंट दे दो जल्दी से। यार ये सेव पॉइंट देंगे नहीं देंगे? यार बस कर तेरे तो माशाल्लाह। चल भाई काफी ज्यादा हेल्थ है यार इसकी। स्टैंड्स मैंने चेंज कर लिया, अब इसको पड़ेंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शॉट्स। स्मैश स्टैंड पिलर स्टैंड्स जो है वो आपको थोड़ा रिकवरी बेस्ड है ठीक है, क्योंकि आपको वो ब्रेक दे देता है बीच में, आप चल सकते हो। पॉइंट भी हमारा आ गया, लेकिन स्मैश स्टैंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा डैमेज देता है। तो आगे भी वेट कर रहे हैं हमारा ये लोग। चल भाई ये चेक किया, ये चेक गया, थोड़ी खेलता है ये। ओ एक और, चलो भाई गेम सेव करते हैं इधर। फाइनली एक और अनलॉक हो गई हमारी श्राइन, रेस्टिंग श्राइन एक और अनलॉक हो गया। क्राफ्ट में कुछ नया आया है, ये जल्दी से देख लेते हैं क्या कोई नहीं। ओ ये चेक कर, ओए ये काफी अच्छा है। ईविल क्रैशर, yes. So deals additional damage to the enemies upon crashing their immobilization. Upon crashing the immobilization on the enemies, massively reduces the cooldown for immobilized spell. इस ये हमारा cooldown बहुत जल्दी कर देगा यार, ये तो लगाते हैं। क्राफ्ट करना बहुत जरूरी है भाई। आगे क्या है? आगे इसी आर्मर से रिलेट, वो ये यार चाहिए इसके लिए। क्या बात है, लेकिन मुझे मजे का बहुत लग रहा है। ये आर्मर सेट चाहिए भाई हमें। कुछ बना सकते हैं इसका? एक सिल्क चाहिए। नहीं है सिल्क, ठीक है कोई मसला नहीं, यही सही है। आज वेपन क्राफ्टिंग देख लेना। यस वेपन में भी नहीं कर सकते हैं इसको फाइनली। चलो भाई अटैक भी हमारा थोड़ा बढ़ेगा, स्टाफ चेंज हुआ है। ट्विन सर्पेंट वो जो सांप को मारा था उससे स्टाफ मिला था। मैं वही कहूँ इतनी हैवी बला को हमने मारा है और उसके बाद हमें कुछ मिल नहीं रहा। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज एपिसोड। कमाल के बॉस फाइट्स हैं यार, कमाल की गेम है। हालांकि देखो बोर नहीं होने देती आपको, हाँ एक के बाद एक बॉसेस आ रहे हैं तो मजा आता है। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी क्रिस्प, मजे की है। आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस एज वेल। हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ही रहो, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। प्लीज़ ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल आइकन, कमेंट डाउन बिलो, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड वी विल सी यू अगेन विद अनदर लाइव स्ट्रीम और गेम प्ले वॉक थ्रू और गेम प्ले ट्रेलर रिएक्शंस। सो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हमें दुआ में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।